नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में। तो आज 30 मई है। हर साल गोवा अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। इस बार गोवा का 35वां गोवा राज्य स्थापना दिवस है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 35वें गोवा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दुनिया भर के गोवा वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने एक संदेश में सावंत ने कहा है कि गोवा के गौरवशाली इतिहास में स्थापना दिवस एक यादगार दिन है। 1987 में आज के ही दिन गोवा भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। 30 मई गोवा वासियों द्वारा अपनी पहचान की रक्षा के लिए और ऐतिहासिक महत्व के बनाए रखने के लिए उनके संघर्ष का परिणाम है। वहीं सावंत ने राज्य में विकास को लेकर भी कुछ बातें कहीं। उनका कहना रहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से गोवा ने तेजी से प्रगति की है। भारत का सबसे छोटा राज्य होने के बावजूद गोवा का इतिहास लंबा और विविध है। गोवा ने पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, बुनियादी ढांचे का खास स्थान है। साथ ही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं और कार्यक्रम जो राज्य द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं, एक स्पष्ट संकेत है कि गोवा प्रगति की ओर अग्रसर है। वही राज्यपाल ने भी गोवा के स्थापना दिवस पर बधाइयां दी हैं। गोवा राज्य के स्थापना के दिवस के मौके पर राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने भी लोगों को बधाई दी और उनका कहना रहा कि गोवा अपने सांप्रदायिक सद्भाव के भाव के लिए प्रसिद्ध है। राज्य की असाधारण सुंदरता और शांति जीवंत संस्कृति, लोगों का आतिथ्य, प्रचुर मात्रा में वनस्पति और जीव और समृद्ध जैव विविधता राज्य में पर्यटन के विकास में योगदान दिया है। गोवा दुनिया में एक शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इस दौरान राज्य के ने कोविड महामारी का जिक्र करते हुए बताया कि पूरे विश्व के साथ प्रदेश में भी पर्यटन उद्योग कोरोना के कारण कमजोर स्थिति में है, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। राज्यपाल ने विश्वास जताया कि राज्य में पर्यटन उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। तो ये थी पूरी बात। बने रहिए एंड वर्ल्ड के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।